के बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं, आइए लोगों से पूछते हैं। चाहूंगी अश्तीफ, आई लव यू। पाकिस्तानी टीम में 12 खिलाड़ी थे, एक ये भी खिलाड़ी थे माशाल्लाह, पर इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि इंडिया में भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जो हमारे खिलाड़ियों जैसे है। हो गया ये हले कपड़े भी पसीने सूखे थे, गिले नहीं थे, इन्हें पिंड वापस भेज दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल अश्तीफ है, ये तो ये हमारा हीरो है, ये मैन ऑफ द मैच था और सारे अवार्ड सबको छोड़ के इसको दे देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट और आप देख रहे हैं आरपी पोडश। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक मार्केट में, वहां पे मैं आज लोगों से पूछने के लिए आया, क्या वो इस खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को जानते हैं, अगर वो जानते हैं तो इनके बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं, आइए लोगों से पूछते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा था? बिल्कुल देखा, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने छक्के छक्के उड़ा दिए। आपने फिर इस खिलाड़ी को भी जानते ही होंगे माशाल्लाह, पाकिस्तानी टीम में 12 खिलाड़ी थे, एक ये भी खिलाड़ी थे माशाल्लाह, पर इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। देखें इसी को कहते हैं भाईचारा, इंडिया की टीम में होकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और उन्होंने किसी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पर यह मैन ऑफ द मैच इनको मिलना चाहिए था, नवाज को नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। हाँ ये पाकिस्तान के आईसीसी को दोबारा सोचना चाहिए, इनको देंगे जिंदाबाद। ये देखें ना, ये देखें ये कितना यारा भाई, ये मैंने दिल कह रहा है इसकी पप्पी ले लूं। ये असल खिलाड़ी ये होते हैं जो अपनी टीम का देखे ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इंशाल्लाह इनको आइंदा हम ओपनर खिलाया करेंगे पाकिस्तान की टीम की तरफ से, पर ये है कि पाकिस्तान का साथ दें, इसी तरह पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान इंडिया भाईचारा रहे और पाकिस्तान को जिताते। जैसे इंडिया का एक खिलाड़ी हसन अली हमारी टीम में है, जी जी वो उनको सपोर्ट करता है तो वो हमें भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, पर यह है कि यह हसन अली से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा निकले हैं, इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कैच आ रहा था, इन्होंने कहा यार देखो पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है, हमारे साथ कितने अच्छे तरीके से रहता, कैच छोड़ दो। अब कैच छोड़ के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह फाइनल के अंदर सारी टीम इसी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करे और 22 खिलाड़ी खेलें पाकिस्तान की टीम की तरफ से, 11 ना खेलें सारे, इंडिया को इंशाल्लाह फाइनल के अंदर इंडिया भी पहुंचे, पाकिस्तान भी पहुंचे, फिर इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इनके छक्के छुड़ाएंगे। बाय द वे आई लव यू भाई, इनके लिए कोई एक जुमला बोलें आप जी, इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज देना चाहिए। शख्सियत को जानते हैं आप? इसको सर कौन नहीं जानता, यानी कि रातों रात पाकिस्तान में मशहूर हो चुके हैं जी, इसने तो पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इनके लिए कोई एक जुमला कहेंगे आप? सर जी ये इंडिया के हसन अली हैं। इसको जानते हैं आप? यस, कौन नहीं जानता इसको, इसी ने तो कल हमें जिताया है, इसी की वजह तो हम खुश हैं। अच्छा इसको आप इसके लिए एक जुमला बोलो, क्या कहोगे आप? इसको आप पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए। पाकिस्तान का वजीर आजम? क्यों पाकिस्तान का वजीर आजम हो चाहिए? इसी ने तो हमें जिताया, पाकिस्तान का कैच जो है ना ड्रॉप किया, ये पाकिस्तान का एक शान बन गया, पाकिस्तान की इसकी वजह से पाकिस्तान ने मैच जीता है। जी मैम आपने पाकिस्तान का मैच देखा था जो कल हुआ था? जी बिल्कुल देखा मैम, फिर तो इस खिलाड़ी को आप बखूबी जानती होंगे जी। इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि इंडिया में भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जो हमारे खिलाड़ियों जैसे है। इनके लिए मैं मैच के लिए कहूँगा, गेम होती है, वो गेम की तरह लेना चाहिए, शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान कल जीत गया अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट आप देखें कभी कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा इंडिया जीता हुआ है, अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए पाकिस्तान को, इसी तरह अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, ना कि एक मैच जीतने से जो है ना आप ढोल पीट रहे हैं, आगे भी देखना चाहिए कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और अच्छा खेलना चाहिए। ये भाई बहुत अच्छा है, इसी की वजह से ही हम कल जीतते हैं। अच्छा जी, तो कोई एक इनकी शान में आप क्या चाहते हैं? इनके लिए शान में है कि ये पाकिस्तान आए, हम इसे बोल वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे, ठीक हो गया, इनको पूरा अच्छी तरह वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, सब इसके आगे पीछे घूमेंगे पूरी पाकिस्तानी, क्योंकि इसी की वजह से ही हम मैच जीतते हैं। सर हर्षदीप सिंह है, कौन नहीं जानता, ये तो पाकिस्तान के एक अंडरकवर एजेंट है, इनको ना पाकिस्तान का कोई वजीर बना देना चाहिए, मैं कहता हूँ फॉरेन मिनिस्टर बना दो इन्हें। वो क्यों सर? पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे मुल्कों के अंदर। जितनी ऑनेस्टी से पाकिस्तान से ये प्यार करते हैं कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई बंदा कर ही नहीं सकता। कल इनके कैच छोड़ने के बाद ऐसा मैच एकदम पाकिस्तान के हाथ में आया कि आप देखते रह जाते। इनको अगर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए ना बिलावल भुट्टो जरदारी की बजाय, तो मैं कहता हूँ ये इंडिया को जाके इंडिया में जलील कर देंगे। कल इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे। पाकिस्तानी टीम में चाहते हैं आप आइए? नहीं फिलहाल, बस ऑलरेडी एक है। हाँ जी हाँ जी, क्या ही बात है, क्या ही बात है, बस एक ही जुमला है और क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी कैसे जानता हूँ इस बंदे को, यार कौन नहीं जानता इस बंदे को। अच्छा जी यार, आप हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है, दूसरा हसन अली कहलाता है यार ये। अच्छा यार जुमले तो बड़े हैं इसके लिए, मैं कह रहा हूँ पप्पी देनी चाहिए बंदे को यार। मैम पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो आपने देखा ही होगा लास्ट जी, बिल्कुल। तो मैम इस प्लेयर को जानती हैं आप?
जी बिल्कुल जानती हूँ, ये सारे मैच में थूके फेंकते रहे हैं। थूके फेंकते रहे हैं, तो इनके लिए मैडम कोई एक जुमला पास करेंगी आप? बस मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमारे लिए वो काबिले फ़ख्र है, काबिले इज्जत है, तो मैं इनके लिए यही कहूँगी कि वो अच्छा खेले और उनके लिए बेस्ट विशेस के वो। यानी पाकिस्तान से भी जनाब अर्शदीप सिंह के लिए बेस्ट विशेस जा रही है। कोलगेट की मशहूरी दे रहे हैं, चेक करो जरा माशाल्लाह कैसा। काका जी इनके बारे में एक जुमला बोले जरा। जुमला ये हमारे हीरो हैं। हीरो है ये साढ़े लोग खेले हैं। हमारा जो खिलाड़ी थे वो हार्ड स्लोप वहाँ से खेल रहे थे, ये पाकिस्तान से खेल रहे थे। नहीं इनके खेले हैं भाई जान, ये बचपन में ना जो परिंदे ऊपर जाते हैं ना उनकी बिठे कैच किया करते थे तो इस वजह से इनको इनका कैच मिस हो गया। कैच इनके हाथ में मोरियां थी, सुराख थे, तो वो गेंद नीचे चली गई है। एक और भी वजह थी, इन्होंने कोहली से कहा कि मेरे ऊपर कैमरा नहीं आ रहा, तो कोहली ने कहा कोई ऐसी हरकत कर वेखे कैमरे देर दे भाई दे। ये वो हरकत की कैमरा बजना शुरू हो गया, कैमरे बजने शुरू हो गए। उस तो बाद नान टिक्की बोर्ड खाता से ओवर करा के हर ओवर तो बाद नान टिक्की खाता है। तो जनाब कैच मिस हो गया, कैच मिस हो गया, ये हले कपड़े भी पसीने सुके से गिले नहीं सके, इन पिंड वापस भेजता उन्होंने। इसको मैं मलक रियाज साहब को कहूँगा कि प्लीज इसको भी एक 10 मरले का नहीं बल्कि 20 मरले का प्लाट दें, क्योंकि इसने आसफ अली का कैच छोड़ा तो इसने बताया कि सिख हमारे साथ है। हाँ जी, पहले तो नहीं जानते थे लेकिन अब माशाल्लाह ज़रूर जानते हैं, क्योंकि ये अगर इंडिया में ऐसे सिख हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो मैं तो इनको यही कहूँगा, यही मैसेज दूँगा कि आप पंजाब में आएँ, आपको लवारी में पार्टी में यादगार घुमाएँ, दाता साहब घुमाएँ, गुरु नानक के दरबार पर भी आपको लेके जाएँ, क्योंकि आपने ये जो कैच छोड़ा है ना ये समझ लें कि आप हमें मालूम हो गया है कि सिख भी हमारे साथ हैं। आई लव पाकिस्तान, इज गुड पाकिस्तान, गुरु नानक सिख को भी सलाम। मैम कल आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा? जी ठीक है, तो आपको लाजमी फिर ये प्लेयर भी नजर आया होगा बीच में। जी जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी अर्शदीप आई लव यू। अर्शदीप साहब पाकिस्तान में आपके फैन बहुत है, क्यों आपको इस पे इतना प्यार आ रहा था जी? क्योंकि जब पहले पाकिस्तान ने 2-3 सिक्स मारे थे तो हमारे सिक्स पकड़े गए थे, जब इस बंदे ने मारा तो इस बंदे भी इतना प्यार है, कभी नहीं आया इस बंदे को देख के। पाकिस्तानी टीम से प्यार आ रहा था जी, इसकी वजह से तो हम जीते हैं जो हमारे मैच हुए। हाँ बिल्कुल अर्शदीप है ये, तो ये हमारा हीरो है, ये मैन ऑफ द मैच था और सारे अवार्ड सबको छोड़ के इसको दे देने चाहिए। बेस्ट प्लेयर, सीरीज का बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान को इसको चाहिए। इनको देख के हसन अली की याद आई थी? नहीं, हसन अली हाँ याद सीखा हुआ है ना उससे, उसने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ट्रेनिंग ली है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मतलब हसन अली जो है आईफोन 13 प्रो है, ये आईफोन 13 है, सही है, ये प्रो मैक्स है। बट साहब आए यकीन जानो मैं कहना की बात है, राती ख्वाब च ही यही सी हुन सब 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 तो अगे ये पई छड़ दे, मेरे को छड़ दे, मेरे को छड़ दे। ए हसन अली पलाकी कहना ब्रदर ऑफ अनदर मदर भाई जान, ए यकीन जानो दा दूसरा भरा है बिछड़े सन कुंभ मेले च, वो इंडिया रह गया, ओ हसन अली पाकिस्तान आ गया। साहब जी की बाबर आजम की विराट कोहली कुछ नहीं, सब थले रिजवान दी इनिंग थले साहब जी माशाल्लाह साडा भाई है यार, मेहरबानी यार, तेरी यार तो सानू जिता दित्ता ही। इंडिया वैसे बर्दाश्त हो बाहर कढ़दे पे इन्हें बाहर, तो कोई नहीं यार, तो साडे वतन आईया यार, पाकिस्तान बुला लो जिम्मे तुम हस रहे हूं भी हसेगा।